एज वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, मार्केट में ओप्पो कंपनी एक बार फिर से अपना एक और नया स्मार्टफोन लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब की बार ओप्पो कंपनी अपनी ए सीरीज के अंदर अपना नया स्मार्टफोन उतारने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब अचानक से ही ओप्पो कंपनी ने नए स्मार्टफोन ओप्पो A96 5G स्मार्टफोन को लेकर लगभग सभी कन्फर्म्ड स्पेसिफिकेशन और स्मार्टफोन की पिक्चर्स आदि सामने आई है। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन जल्द ही मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन की फुल स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स, इसके प्राइस और इसके लॉन्चिंग डेट आदि के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप ओप्पो कंपनी के फ़ैन हैं और आप एक बढ़िया और अच्छा ओप्पो का स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस स्मार्टफोन के लुक और इसके डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों, इस स्मार्टफोन का लुक और डिज़ाइन कुछ हद तक ओप्पो रेनो 7 स्मार्टफोन के जैसा होने वाला है। दोस्तों, बात किया जाए इस स्मार्टफोन के फ्रंट पैनल के बारे में, तो इसमें आपको कंपनी पंच होल कटआउट वाली फ्लैट डिस्प्ले प्रोवाइड कराने वाली है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन के बैक टर्न की बात की जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर डुअल रियर कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों बड़े साइज के कैमरा सेंसर होने वाले हैं। तो लुक और डिज़ाइन के मामले में ये स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया होने वाला है और ये स्मार्टफोन कंपनी का एक बढ़िया और एक अच्छा स्लिम स्मार्टफोन होगा। इसके बारे में बात की जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको कंपनी 6.43 इंच की फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले देने वाली है, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन के साथ आएगी। और इसका एक्सपेक्ट रेशियो 20:9 होगा। इसके कॉर्निंग पे आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा और इसके अंदर आपको 16Hz का रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले मामले में ये स्मार्टफोन ओप्पो के कई पिछले स्मार्टफोन के तरह होने वाला है और इसके अंदर भी आपको सुपर AMOLED पैनल देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर बात की जाए इस स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको डुअल कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक 48 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलेगा। और इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यानी सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, रियर कैमरा सेंसर के मामले में ये स्मार्टफोन ठीक ठाक है और इसके अंदर सेल्फी कैमरा भी 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जिससे दोस्तों आप एक बढ़िया और अच्छी सेल्फी ले सकते हैं और वीडियो कॉलिंग आदि कर सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों आपको कई बढ़िया बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कैमरे के मामले में ये स्मार्टफोन बढ़िया है। तो बात की जाए इस स्मार्टफोन के वेरिएंट के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंपनी 8GB रैम के साथ उतारा है, जिसके साथ आपको 256GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, मार्केट में ये स्मार्टफोन ओप्पो के दूसरे स्मार्टफोन के तरह एक ही वेरिएंट में देखने को मिलता है। और दोस्तों, बात की जाए इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी ने स्नैपड्रैगन का चिपसेट प्रोवाइड कराया है। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 695 SoC का प्रोसेसर दिया है और ये मोबाइल एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। और ग्राफिक्स के लिए इस मोबाइल में आपको एड्रीनो 619 का GPU देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, प्रोसेसर के मामले में ये स्मार्टफोन बढ़िया है। इस स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन का बढ़िया और अच्छा लेटेस्ट 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है, जिससे ये स्मार्टफोन आपको बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाला है। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन ओप्पो कंपनी का एक लो प्राइस 5G स्मार्टफोन है। तो अगर बात की जाए इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको कंपनी ने 33W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4500mAh की पावरफुल बैटरी भी प्रोवाइड कराई है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर बढ़िया और अच्छी पावरफुल बैटरी और बढ़िया फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे दोस्तों आपका स्मार्टफोन जल्दी चार्ज होगा और ये स्मार्टफोन आपको लो ऑन पावर बैकअप देने वाला है। अगर इसकी कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 3.5mm ऑडियो जैक
यूएसबी टाइप सी पोर्ट और ब्लूटूथ जैसी कनेक्टिविटी फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखें दोस्तों, ये स्मार्टफोन कंपनी का एक बढ़िया और अच्छा स्मार्टफोन है। इसके अंदर आपको बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं और दोस्तों मुझे इस स्मार्टफोन का लुक और डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। बाकी दोस्तों अगर इसके प्राइस के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंपनी ने चाइनीज मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिसके मुताबिक इंडियन मार्केट के हिसाब से इस स्मार्टफोन का प्राइस 23,000 से 24,000 के आसपास रखा गया है। बाकी दोस्तों इंडियन मार्केट में ये स्मार्टफोन कब तक लॉन्च होगा इनके बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई। तो आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।